तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि रक्षाबंधन का फेस्टिवल आ चुका है, तो आप सब लोग भी सोच रहे होंगे कि हम भी अपना एक फ़ोटो एडिट करें रक्षाबंधन वाला। तो देख सकते हैं, इस वीडियो में मैं यही चीज़ बताने वाला हूँ, बहुत ही ईजी प्रोसेस बताने वाला हूँ। और इस वीडियो को लास्ट तक अगर आप लोग देख लेते हैं तो आप लोग भी ऐसा फ़ोटो बना पाएंगे और अच्छे खासे लाइक्स ले पाएंगे सोशल मीडिया पे ये फोटो अपलोड करके। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। बहुत ही इजी स्टेप में, एकदम आसान तरीके से मैं समझाया हूँ इस वीडियो में कि कैसे आप लोग ऐसा फ़ोटो बना सकते हैं, बहुत ही इजी। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ध्यान से देखिए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिए। दोस्तों सबसे पहले तो चले आना अपने होम स्क्रीन पर, और ऐसे मैं ये वाला ओपन कर देता हूं, और ये सारा एप्लीकेशन देख सकते हैं जो मेरे पास है। ठीक है, ये सब आप लोगों को डाउनलोड नहीं करना है, बस एक एप्लीकेशन ये डाउनलोड कर लीजिए, स्नैपसीड, और एक ये वाला, और पिक्सआर्ट, और ये लाइटरूम। ठीक है, ये चार एप्लीकेशन आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, सारा फ्री है। ठीक है ना, सबका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ये बहुत ईजी है, इसको डाउनलोड कर लीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ कैसे क्या क्या करना है आप लोगों को। ठीक है ना, एकदम इजी है, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आप लोग समझ जाएंगे। और उससे पहले आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मेरा ओरिजिनल फ़ोटो कुछ इस टाइप से है, जो कि मैंने अपने एक फ्रेंड के साथ क्लिक करवाया है। तो इसी फ़ोटो को हम लोग एडिट करने वाले हैं। ठीक है ना, कितना अच्छा लग रहा है, मतलब देख सकते हैं इस फोटो का जो कलर ग्रेडिंग है ना, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है ना, देख सकते हैं फेस का कलर इतना अच्छा लग रहा है कि क्या बताऊं। आप लोग भी ऐसा ही कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं, वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर जो भी मिलता है आप लोगों को रियल मिलता है, कुछ भी फेक नहीं होता है, सारा चीज़ एकदम स्टेप बाई स्टेप रियली बताता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले कुछ इस टाइप से एक बैकग्राउंड रहेगा, जो कि मैं सारा बैकग्राउंड एंड पीएनजी जो भी होता है टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देता हूँ, आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, इजीली डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है ना, उस पर से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इसलिए नहीं देता हूँ कि कॉपीराइट का इशू रहता है, इसके लिए डिस्क्रिप्शन में नहीं देता हूँ, ये बात पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं दे सकता हूँ। तो अभी पिक्सआर्ट में ये वाला सबसे पहले फ़ोटो को ओपन करेंगे, और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं टूल्स का एक ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाता है, टूल्स पे क्लिक करके एक ऊपर क्रॉप का एक ऑप्शन मिल जाता है, क्रॉप पे क्लिक करेंगे और ऐसे अपने लेफ्ट साइड में स्लाइड करेंगे तो एक ऑप्शन मिलता है पोस्ट का। ठीक है दोस्तों, तो पोस्ट पे ही क्लिक करना है और राइट क्लिक पर डन कर देना है, फिर से टूल वाले ऑप्शन पर चले जाना है और नीचे एक और ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि रीसाइज का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग इसको रीसाइज करेंगे। ठीक है, 2828 ऐसे कर लेंगे। ठीक है, रीसाइज हो गया, अब जाके अपना फ़ोटो ऐड करेंगे हम, एक जो हम फोटो इसमें लगाना है। ठीक है, उस फोटो को ऐड करते हैं। तो ऐड करने के लिए पता ही है आपको, साफ साफ लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं, यहाँ पे ऐड फोटो का एक ऑप्शन है, यहाँ से ऐड करके कोई भी फोटो ऐड कर सकते हैं। सो फाइनली दोस्तों ये हमारा फोटो है, इसको ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको ले लिए हैं, तो अभी देखिए इसमें कैंची का एक निशान दिखाई देगा। ठीक है, कट का, ये कैंची वाला है, कटआउट लिखा हुआ है, इसी पे हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं पर्सन दिखाई दे रहा है, पर्सन लिखा हुआ है, एक बार हम पर्सन पे क्लिक करेंगे और पूरा हमारा ऑटोमेटिकली कट जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे बच गया है, देख सकते हैं, थोड़ा बहुत अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है, नहीं तो ये बाकी सारा अपने आप ही इरेज कर देता है। अब इस वाले भाई का मॉडल यहाँ से इरेज करना है। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग देख के और साइड से ऐसे ऐसे करके इरेज कर लीजिएगा। सो मैं यहाँ पर वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैंने काफ़ी अच्छे से कटआउट कर लिया है। ठीक है, इसके बाद से प्रोसेस क्या करना है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो इस फोटो को हम लोग को साइज़ कर लेना है बड़ा। ठीक है, साइज़ करके बड़ा ऐसे नीचे की साइड में इस तरह से कुछ इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट करके और कर लेंगे डन। ठीक है, अभी देखिए इस फोटो में क्या कमी है, यहाँ पर हम लोग को दिक्कत दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, इसको भी हम बनाएंगे, एकदम ध्यान से देखिएगा कैसे बनता है, इसको हम बनाएंगे तो तभी जाके ये फ़ोटो अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं स्पेशली रक्षाबंधन के लिए पोज नहीं दिया था, किसी और भाई के साथ था तो ऐसे ही पोज दे दिया था, तो मैं उसको एडिट कर रहा हूँ। तो ठीक है, फिर से हम ऐड फोटो में जाएंगे, पीएनजी को ऐड करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, ये वाला फोटो है जिसको ऐड करना है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से इसको एडजस्ट करना है यहाँ पर। ठीक है, बड़ा करके और यहाँ पर इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, और इरेजर पर जाके और यहाँ से हार्ड इरेजर पर क्लिक करके साइज़ को अपने हिसाब से करके और हल्का हल्का साइड से रिमूव कर लेना है, यहाँ से एकदम हल्का। ठीक है, एकदम हल्का से करना है, ज़्यादा करेंगे तो दिखने लगेगा, तो दिखना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, तो हम यहाँ से आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, जैसा कि हो गया, और थोड़ा सा हम इसको इधर बढ़ा लेंगे, अभी हो गया है। ठीक है,
और अभी डन कर लेंगे। कुछ इस टाइप से आप लोगों को बना लेना है, ठीक है। अभी बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि वहाँ पे हैंड कटा हुआ, क्योंकि वहाँ पे एक PNG हम लोग ऐड कर दिए। PNG बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, PNG से ही फोटो हमारा बहुत ही अच्छा बनता है, ठीक है दोस्तों। तो कुछ इस टाइप से हो गया। अब दो चार PNG और हैं, उसको कैसे ऐड करने हैं, क्या क्या करना है वो देख लीजिए। सो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं ये सारा PNG है जो कि हमको ऐड करना है। तो इसको साइज छोटा छोटा करके और पहले किनारे में रख लेंगे, ठीक है। इसको एक साइड में ऐसे रख लेना है, क्योंकि एक एक PNG को एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले ये तिलक वाला PNG हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे एडजस्ट करके इरेजर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और हार्डनेस को 90% रखेंगे और साइज़ को अपने हिसाब से रख लेंगे और साइड से ऐसे थोड़ा थोड़ा इरेज कर लेना है, ठीक है। इस साइड से भी सेम प्रोसेस वैसे ही करना है, देख सकते हैं कुछ इस टाइप से इरेज कर लेना है। देखिए कितना अच्छे से हो गया। तो कुछ इसी टाइप से करना है इरेज, और अभी कर लेंगे डन। और इसका साइज़ थोड़ा सा कर लेंगे छोटा, और यहाँ पे बीचों बीच में ऐसे एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि तो अभी भी थोड़ा चौड़ा लग रहा है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो और भी थोड़ा छोटा कर दिए, अब जाके हमको काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर रखेंगे बस, ठीक है। कुछ इस टाइप से तिलक वाला PNG को भी ऐड कर लेना है। उसके बाद से ये राखी वाला PNG है, यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। अपने हाथों में यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे, तो रोटेशन मोड इसका हो सके तो इस साइड से कर लीजिए, और ऐसे इस साइड से करके आसानी से एडजस्ट हो जाएगा। और ऐसे जो भी एक्स्ट्रा पार्ट हो रहा है उसको इरेज कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से ये वाला राखी वाला PNG और ये वाला PNG को भी सेम प्रोसेस में एडजस्ट कर लेना है। सॉरी दोस्तों, ये वाला हिल गया। तो PNG थोड़ा ध्यान से एडजस्ट किया जाता है, नहीं तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो होता ही है। तो कुछ इस टाइप से इसको भी एडजस्ट कर लेना है। देख सकते हैं दोनों PNG काफ़ी अच्छे से एडजस्ट हो चुका है, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। अब आता है ये रक्षाबंधन वाला PNG। तो इसका ब्लेंडिंग मोड हमें स्क्रीन पे रख लेना है, ठीक है। और यहाँ पे स्क्रीन पे रखेंगे तो नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके कुछ इस टाइप से बड़ा कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लगा लेंगे और सेम उसका डुप्लीकेट बनाएंगे और एक यहाँ पे भी लगा लेंगे, ठीक है दोस्तों। सो कुछ इस टाइप से लगा लेना है आप लोगों को, और यहाँ पे क्रॉप वाले ऑप्शन पे चले जाना है। इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लीजिए, क्योंकि नीचे वाला PNG एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से इसका साइज़ हम लोग कर लेंगे बड़ा और यहाँ पे लगा लेंगे, और बचता है ये वाला PNG। तो इसको कैसे एडजस्ट करना है ये मैं बता देता हूँ। इसका साइज़ सबसे पहले बड़ा कर लेना है, कुछ इस टाइप से एकदम साइज़ को इसके बैकग्राउंड के हिसाब से रख लेना है, और इसको थोड़ा सा घुमा लेंगे और थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे, ठीक है। कुछ इस टाइप से इरेजर वाले ऑप्शन पर चले जाएँगे, और इधर से एक्स्ट्रा पार्ट जो भी हो रहा है इधर का, इसको हम लोग नहीं रखना है, ठीक है, इरेज कर लेना है। और सेम इसी का एक डुप्लीकेट बनाएंगे और इसको घुमा के ऊपर की साइड में ऐसे लगा लेंगे, ठीक है। देखिए मैं बता रहा हूँ कैसे। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से एडजस्ट करना है, और एडजस्ट करने के बाद इरेजर वाले ऑप्शन पे जाएंगे और हार्डनेस को जीरो करके इधर का जो भी हिस्सा है उसको हमको ला लेना है, ठीक है, इरेज नहीं करना है। देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में, ठीक है ना। तो कुछ इस टाइप से इसको एडजस्ट कर लेना है, ठीक है, उसके बाद से कर लेंगे डन। सो दोस्तों अभी डन करने के बाद देख सकते हैं काफ़ी अच्छा हमारा फोटो लग रहा है, ठीक है। फोटो को सजाना सबसे बड़ा कला होता है, फोटो को जितना अच्छे से सजाएंगे फोटो उतना ही अच्छा लगेगा। तो दोस्तों अभी इतना सारा काम होने के बाद, ठीक है ना, अभी कुछ भी करना नहीं है, ड्रॉ टूल में सिंपली चले जाना है और यहाँ से 3 डॉट पर क्लिक करके अपने फोटो को ऐसे सेव कर लेना है, ठीक है। अब हम इस फोटो को शेयर करेंगे अपने ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में फेस को स्मूथ करने के लिए, ध्यान से देखिए। तो फाइनली दोस्तों ये फोटो है, ठीक है, इसको शेयर करते हैं अपने ऑटोडेस्क में, ठीक है, स्केचबुक ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में। ये रहा पेंसिल वाला जो आइकन है, इसी में शेयर कर देना है, ठीक है। इसमें शेयर करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे ब्रश वाले आइकन पे आप लोग चले जाइएगा, और ब्रश में जाने के बाद यहाँ पे एक स्मज टूल मिलता है जिसमें ये वाला ब्रश आप लोग को लेना है, ठीक है। ये वाला ब्रश लेने के बाद यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, सेटिंग पे क्लिक करेंगे और साइज़ को देख सकते हैं, साइज़ फ्लो और स्ट्रेंथ दोनों को कितना रखना है देख सकते हैं। ये 2% है, ये 5% है, ठीक है, कुछ इस टाइप से रख लेना है। ब्रश का साइज़ अपने हिसाब से रख लीजिएगा जितना आप लोग चला सकते हैं, ठीक है। तो मैं साइज़ को रख लेता हूँ, और ऐसे फ़ोटो को जूम करके कुछ इस टाइप से इसको स्मूथ करना है, ठीक है। फेस को जो फेस पर पिम्पल्स वगैरह है वो सारा चीज़ स्मूथ हो जाएगा और काफ़ी कमाल का फ़ोटो बन जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आप लोगों को स्मूथ कर लेना है। तो यहाँ पे मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, बचा बचा के आराम से कर लीजिएगा, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ऐसे आप लोग बचा बचा कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो रहा है तो आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं।
तो कुछ इस टाइप से आप लोगों को कर लेना है स्मूथ, जो कि देख सकते हैं मैंने कर लिया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, काफ़ी अच्छे से स्मूथ भी हो चुका है। तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं एक बॉक्स टाइप का दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं गैलरी का ऑप्शन मिल जाता है, गैलरी पे क्लिक करेंगे और सेव करेंट स्केच, इस पर सेव करेंगे, फोटो हमारा सेव हो जाएगा। ठीक है, फोटो का भी सेव होने के बाद कलर करप्शन करेंगे इस फोटो में, तो फोटो को ऐड करेंगे हम लोग अपने लाइट रूम एप्लीकेशन में और फाइनली उसी में एडिट होगा। ठीक है, तो एकदम इसी में लाके और इसको थोड़ा सा रिट्यूस करना है, कलर ग्रेडिंग करना है, तब जाके कहीं ना कहीं अच्छा बनेगा फोटो। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अपने गैलरी में। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपने फोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस नहीं किए होंगे कि मैंने बस फेस को ही स्मूथ किया है, यहाँ पे हैंड और ये हैंड स्मूथ नहीं किया है। तो देखिए, रियलिस्टिक हैंड दिखाने के लिए आप लोगों को स्मूथ नहीं करना पड़ता है, फोटो इतना फेक नहीं लगना चाहिए। एडिटिंग का मतलब ये है, ज़्यादा एडिट कर देंगे पूरा बेकार लगेगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने हैंड को स्मूथ नहीं किया। तो अभी लाइट वाले ऑप्शन पे चले जाना है और हल्का सा वाइट एंड ब्लैक दोनों को कम कर लेंगे और यहाँ पे शैडो को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। अभी फोटो देखिए बिफोर एंड आफ्टर थोड़ा सा डार्क हो गया, तो काफ़ी ऑसम लग रहा है। ठीक है, सो फाइनली दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने लाइटरूम एप्लीकेशन में अपने फोटो को ऐड कर लिया है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, यहाँ पे रेड टोन को सबसे पहले कलर वाले टोन पे चले जाना है, मिक्स पे चले जाना है, रेड टोन का ह्यू थोड़ा सा कम करेंगे और सेचुरेशन को ऐसे बढ़ा लेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा लिप्स एंड जो भी रेड कलर है और ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा तो काफ़ी ऑसम लगेगा फोटो। और यहाँ से जो ऑरेंज वाला, इसका लुमियंस हल्का से इंक्रीज़ करना है, यानी कि 10 या 14% इंक्रीज़ करना है, उसके बाद से इसको थोड़ा सा कम कर लेना है। ठीक है, 2% कम करना है और बाकी इसमें किसी भी टूल को छेड़छाड़ नहीं करना है। ब्लू टोन पे चले जाना है और ब्लू टोन का यहाँ पे सेचुरेशन जो है 9% इंक्रीज़ कर लेना है। ठीक है, बाकी देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर फेस का कलर देख सकते हैं कितना ऑसम लग रहा है। अभी यहाँ पे इफेक्ट में जाने के बाद टेक्चर एंड क्लियरिटी को थोड़ा सा कम कर बढ़ा लेंगे, सॉरी दोस्तों बढ़ा लेंगे, और डिटेल्स वाले ऑप्शन पे जाके शार्पनिंग को बढ़ाएंगे, जिससे कि हमारा फोटो और भी शार्प हो जाएगा और भी डिटेल्स में आ जाएगा और HD दिखाई देगा। ठीक है, इसको बढ़ा लेंगे और डिटेल्स को फुल रखेंगे, नॉइज रिडक्शन को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और डिटेल्स को 100% पे रखेंगे, कलर नॉइज रिडक्शन को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और डिटेल स्मूथनेस दोनों को फुल रखेंगे। और सिंपली यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और शेयर पे क्लिक करने के बाद नीचे एक्सपोर्ट एज का ऑप्शन मिल जाता है, फिर राइट क्लिक कर देंगे, हमारा फोटो सेव हो जाएगा। तो बस यही था इसका छोटा सा वीडियो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तब तक के लिए मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर।